हेलो दोस्तों दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ जो चाइना बरगद होता है, चाइना का बरगद जिसको बोलते हैं चाइना का। तो उसके ये देखो, आप ये प्लांट देख सकते हैं, ये है चाइना बरगद। चाइना बरगद के जो इसके जो पत्ते होते हैं, और ये देखो इसमें कितनी शाइनिंग होती है, कितनी चमक होती है। कई लोग, मैंने कई मालियों से पहले पता किया कि जैसे वो बोलते हैं कि जो इंडियन इंडियन बरगद होता है, वो ही बरगद जब बोनसाई बन जाता है तो वो चाइना बरगद की तरह रूप ले लेता है, छोटे छोटे पत्ते बन जाते हैं उसके, यही रूप में आ जाता है। पर ऐसा नहीं है, देखो ये चाइना का बरगद है, चाइना के बरगद के जो पत्ते हैं देखो कितने छोटे छोटे पत्ते हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे। अच्छे तो हमारे भी लगते हैं देखो, पर बहुत ज़्यादा देखो मैंने छोटे छोटे प्लांट वो जो इंडियन का बरगद होता है उसके लगाए हैं, दो बरगद बरगद के जो, ये देखो इसका पत्ता और इसका पत्ता देखे कितना फ़र्क है, काफ़ी इसमें फ़र्क है। इसके पत्ते में देखो ये जो शाखा बीच में नज़र आ रही है, इसकी जो डिज़ाइनिंग की है, इसके बनावट में थोड़ा फ़र्क है। ये राउंड में आकार में होता है और ये लंबे आकार में होता है। ये देखो ये बरगद का जो ट्री है, ये थोड़ा बड़ा ट्री था, मैंने इसको अभी बॉन्साई बनाने के लिए ये पॉट में लगाया हुआ है। इस तरह लगाने से, आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, इस तरह लगाने से इसमें रूट्स बहुत ज़्यादा आ जाती है, भरी घना सा लगने लगेगा ये। जैसे मेरा अभी इतना पुराना नहीं है ये वृक्ष बोनसाई का, पर जहाँ से ये इतना घना हो जाएगा कि जहाँ से रूट्स आ जाएगी, तो ये देखो ये बोनसाई का ये बरगद का ये प्लांट है। जब ये बड़ा हो जाएगा, बोनसाई बन जाएगा, तो इतने इतने इसके पत्ते हो जाएंगे बरगद के। तो ये देखो बड़ा पत्ता नहीं होगा, इतने इतना बड़ा पत्ता होता है इसका, तो एक हाथ से भी ज़्यादा बड़ा पत्ता बन जाता है इसका। पर जब बोनसाई होगा तो प्लांट ही अपना इतना होगा, इतने छोटे साइज में होगा, तो उसके पत्ते भी इतने इतने छोटे होंगे। पर उसकी जो डिज़ाइनिंग है, जो उसका स्टाइल है जो बनने का, और चाइना का बरगद का, और इसमें बहुत फ़र्क है। जो कई मालियों को नहीं पता है, वो माली बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को कि चाइना का बरगद और इंडियन बरगद सेम होते हैं, पर ऐसा नहीं है, प्लांट में ही फ़र्क है। वो जो पौधा है वो और कोई पौधा है, और ये पौधा और कोई पौधा है। ये अपना इंडियन बरगद तो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा, इसका कोई आकार नहीं है, इतना बड़ा हो सकता है जी। तो जो चाइना का बरगद है ये इतना बड़ा नहीं होता, वैसे ही रूप सेम लेता है, वैसे ही घना लगता है, वृक्ष बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आपने धार्मिक स्थानों पे देखा होगा, बहुत बढ़िया लगता है जी। इस तरह मैं देखो जेडी प्लांट, और ये देखो आप इसको पिपल का प्लांट है, ये देखो तीन साथ साथ में ग्रो कर रहा हूँ, तीन पिपल के प्लांट को इसका बॉन्साई बनाएंगे थोड़ा अलग स्टाइल से जी। देख सकते हैं कुछ कटिंग को मैंने अभी ग्रो किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। और देखें जी, देख सकते हो आप, इसको भी मैंने, ये बहुत छोटे साइज का है देखो पिपल, पर इसमें मैंने ये ऐसे बोतल डालकर, इसमें मिट्टी बुट्टी डालकर जो भी इसका किया है देखो, रूट्स बनाने के लिए ये भी रखा हुआ है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो प्लांट है बेवकूफ़ मत बनाओ, दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग कि सेम प्लांट है, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग प्लांट है ये दोनों। और बहुत प्यारा बरगद का ट्री, तो मुझे इतना मेरा पसंदीदा ट्री है, इसको मैंने, इसके बीज रखे हुए हैं मैंने, ये खुद मैंने जैसे इसको उगाया है, और जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है मैं बीज उगा कर इसको उगा लेता हूँ, और इसकी बोनसाई तैयार करने के लिए मैं अलग अलग स्टाइल से इस पे काम कर रहा हूँ। ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो में हम आपको
कटिंग के द्वारा किए गए ग्रो बोनसाई ट्री, बड़े बड़े मोटे मोटे ट्री जो बोनसाई होते हैं वो आपको दिखाऊंगा कि आप बहुत पुराने लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप कटिंग से ही ग्रो कर सकते हैं। इतनी समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।